महाराष्ट्र सरकार बिल्डरों पर प्रीमियम शुल्क और अनुमति शुल्क कम कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है और जल्दी ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या है आपके पास जानकारी? देखिए, मुंबई का रियल स्टेट की अगर हम बात करें तो मुंबई का रियल स्टेट देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक सबसे महंगा रियल स्टेट के रूप में माना जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लैंड की कीमत और दूसरा जो प्रीमियम चार्जेस वसूल किए जाते हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा, तो उस वजह से रियल स्टेट काफ़ी महंगा है। और डेवलपर्स के मुताबिक जो प्रोजेक्ट की एक तिहाई कॉस्ट होती है, 30% से ज़्यादा जो कॉस्ट होती है वो प्रीमियम शुल्क की वजह से बढ़ जाती है। तो इसी सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार जो है वो प्रीमियम चार्जेस के अंदर कटौती करने पर विचार कर रही है। हाउसिंग मिनिस्टर ने हाल ही में इसके लेकर एक बैठक भी बुलाई है उसकी समीक्षा करने के लिए। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मुंबई के अंदर जो प्रीमियम चार्जेस हैं वो 20 से ज़्यादा प्रीमियम चार्जेस वसूल किए जाते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पे पार्किंग, लिफ्ट से जुड़ा हुआ स्टेयरकेस वगैरह पे जो प्रीमियम वसूल किया जाता है, उस वजह से प्रोजेक्ट की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। क्रेडाई ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें कहा था कि मुंबई के अंदर पर स्क्वायर फिट 5,400 रुपये जो है वो प्रीमियम चार्जेस के रूप में देने पड़ते हैं और इस वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट की लागत काफ़ी बढ़ जाती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को मुहैया कराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य के साथ महाराष्ट्र सरकार इस पर विचार कर रही है। और अगर प्रीमियम चार्जेस के अंदर कटौती की जाती है तो फिर जो डेवलपर है वो इसको पास ऑन कर पाएगा और जो घर खरीदार है उनको भी मुंबई जैसे शहर के अंदर घर खरीदने के लिए पहले के मुकाबले कम पैसे देने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब से थोड़ी देर पहले हम रियल एस्टेट मार्केट में जो बूम है उसे भी देख रहे थे। वक्त वक्त पे इस सेक्टर को और ज़्यादा फायदा, इसलिए कई सारे पॉलिसी में बदलाव किए जाते हैं, कई तरह के छूट का प्रावधान किया जाता है, जिसके बारे में अनुराग हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। लेकिन हमारा मेगा शो